तो बंदा हाजिर है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कल के दिन जो बात चल रही थी टास्क के बारे में कि आपको रैंकिंग करनी है 1 से लेकर 9 तक। सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस शो में किसका रहा है, योगदान किसका रहा है, और 9 पे जाएगा वो इंसान जो सबसे कम योगदान दिया है। भाई साइरस को बहुत ही मतलब ऑनेस्टी के साथ में रखा गया। साइरस सर ने खुद से बोला, लेकिन जब नंबर 1 की बात आई तो शुरुआत हुई कि मैं नंबर 1 हूँ। आई एम शॉक्ड कि किस तरह से फलक जो है वो कहती है कि मैं नंबर 1 डिजर्व करती हूँ। उनके हिसाब से उनके शो में बहुत ज्यादा योगदान रहा है और उनसे बड़ा कोई योगदान नहीं दे रहा है, सो शी शुड बी ऑन नंबर 1। फुकरा इंसान को पूरे घर वालों ने मेजोरिटी के साथ में अपनी बात निकाल करके अच्छे से नंबर 1 पे ही रखा है। अब अगर कहना चाहोगे कि नहीं ये फेक है तो भाई तुम ही लोगों ने रखा है, पर एंड में बिग बॉस ने एक गेम खेल दिया है कि आपकी रैंकिंग देख करके समझ में आ रहा है कि आपकी राय जो है जनता की राय से कितनी अलग है। सो देयर इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे पूजा भट्ट को जो है इस हफ्ते बचाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि देखा जाए तो ऑडियंस ने उनको बॉटम में रखा और मनीषा रानी को टॉप पे रखा है। झोल का लेकर के आपको लग रहा है क्या कि वोटिंग में कुछ झोल हो सकता है? तो ऐसे ही वोटिंग की बात हो रही थी, वोटिंग की बात होते होते जो जैट के ऊपर में बात चली जाती है, बात रैंकिंग की हो रही होती है, जैट जो है वहां पे भड़क जाते हैं और उनका कहना होता है कि भाई मैंने जो गलती की है उसकी सजा मुझे मिल चुकी है, मैं नॉमिनेट हुआ हूं, मैं पूरी कंट्री के सामने में माफी मांगी है, सलमान सर से माफी मांगी है, पूरे घर से माफी मांगी है, उसके बाद भी जो है मुझे इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो, बेबिका शी इज जस्ट अ पीस ऑफ शिट। तो भाई ये जो चीज है ना भाई, मेरे को एकदम सही, सच बता रहा हूं, एकदम सही बोलता है बंदा कि अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा ना, यू ऑल शुड आइसोलेटेड टुगेदर इन अ प्लेस and then see what will happen। तो भाई वो चीज जो है ना मुझे दिमाग में जा रहा था कि बंदा एकदम सही बोल रहा है। बीचो बंदा ये भी बोल गया है कि पूजा भट्ट को जाकर के कोई कुछ क्यों नहीं बोलता, किसी में इतना भी गट्स नहीं है क्या कि जाकर के बोले कि आप गलत कर रहे हो, आपकी जो एक्टिविटी है वो सही नहीं लग रही है। लेकिन नहीं, उनका जो है वो सोच का तरीका वैसे ही, वो कभी नहीं बदलेंगी और मैं जो हूँ यहाँ पे बस ये करता रहूं। इसी तरह से वो बंदा सीधा कह रहा होता है कि मैं अंदर से लॉक्ड हो चुका हूं। सारे लोग उसको समझा रहे होते हैं, बंदा अपना जो है कपड़ा वपड़ा पैक कर चुका होता है कि प्लीज लेट मी गेट आउट फ्रॉम दिस हाउस और मैं इस घर में रहना चाहता हूं। भाई साहब बहुत भड़के हुए थे और बहुत इमोशनली अंदर से टूट भी गए थे। अब यहाँ पे मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जैद ने रैंकिंग वाले टास्क को जो है गलत तरह से ले लिया कि भाई ये जो है मुझे हेट दिखाया जा रहा है, जबकि हेट नहीं रैंकिंग बताई जा रही थी। वहीं पे पूजा भट्ट को एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये हो जाती है कि जैद को लगता है कि जो भी लड़की उस पे डोमिनेटिंग होने की कोशिश कर रही है उसको ये हजम ही नहीं होता कि कोई औरत, कोई फीमेल जो है उस पे अपना हुक्म चलाए, जबकि ये भी गलत है। मेरा ये भी मानना है कि पूजा मैम जिस तरह से घर के अंदर में ऐसे ऐसे करके बात कर रही होती है, उनका जो टोन होता है, उनका स्माइल तो वैसा होता नहीं है जिस तरह से वो नॉर्मली कर रही होती है और बोल रही होती है दूसरों को कि ये मेरा वे है बात करने का। अब अगर ये उनका वे है तो ये तो रूडनेस हुआ ना, लेकिन वो बता रही होती कि वो कितना रूड रहता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। अग्रेसिव भाई, बेबिका जैसी कोई रहे ना तो अग्रेसिव क्या, वो बंदा उसको गला दबाने के लिए तैयार हो जाएगा। और बेबिका उसमें अपना रोना चला रही है कि मेरा कोई कोई सुनता ही नहीं है। इस बार जो है पूजा भट्ट ने सीधा कह दिया कि एक मिनट, तुम्हारा सब सुनते हैं, तुम्हारी कोई भी बात ऐसी नहीं है कोई नहीं सुनता है, हर कोई सुन रहा होता है, तो अभी जो है चुप रहना। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पूरा घर पूजा भट्ट के भी खिलाफ होने वाली है, या फिर हो सकती है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा कि हो सकती है। इस बात पे क्लास लग सकती है बेबिका की कि भाई जैड को अब और उस बात पे जो है खींचना बंद करो, जैड को हो सकता है कि उसको समझाया जाए भाई ऐसा नहीं है। तो इस वीकेंड के बार में सलमान खान जो है इन दोनों का क्लास ले सकते हैं। मुझे एक चीज का डर है कि इस बार जो है फुकरा इंसान यानी अभिषेक मलान की भी क्लास लग सकती है। रीजन ये है कि भाई साहब इस पूरे हफ्ते के अंदर में एक बार सोफा, एक बार टुनटुन बुला चुके हैं। अब इस चीज के ऊपर मैं कहीं ना बोला जाए कि तुम इसकी बॉडी शेम कर रहे हो। एक और चीज है जो कि पूरे घर में से लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि वो उसको बबीता क्यों बुलाता है। एक कन्वर्सेशन के बीच में उसने मनीषा रानी को बताया कि वो उसको बबीता क्यों बुलाता है, क्योंकि अभिषेक मल्हान के घर में जो मेड है उनका नाम बबीता है और उसी नाम से उसको बोल रहा होता है बबीता ये कर दे, बबीता वो कर दे, और ये नहीं समझ में आता है। कल के दिन में शायद मैंने पपीता भी सुना है, आपने सुना क्या? सो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन यही है, मुझे लगता है कि इस बार अभिषेक मल्हान पे भी जो है क्लास लग सकता है, सलमान खान उसकी बहुत बुरी तरह से बैंड बजा सकते हैं। आपको क्या लगता है बताओ, और इस हफ्ते घर से इवेक्ट कौन होने वाला है? मेरे हिसाब से साइरस होना चाहिए या फिर पूजा भट्ट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वोटिंग का कुछ झोल है, मनीषा रानी टॉप पे चल रही है, तो कुछ अलग हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पे बताओ और आप किस तरह से देख रहे हो बिग बॉस को वो भी बता सकते हो। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो लिख कर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।